डीएनए टेस्ट या फिर ये एग्जाम में भी डीएनए के बारे में पूछता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे कि हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारे आंखों का कलर कैसा होगा, हम कितने लंबे होंगे एटसेट्रा। डीएनए का जो साइज होता है लगभग 2 मीटर के आसपास होता है, और ये हमारे शरीर में 10^13 डीएनए होते हैं। मतलब कि अगर ये देखा जाए तो पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी का 70 टाइम्स होता है। अब इतना बड़ा डीएनए हमारे शरीर के छोटे से सेल्स में स्टोर कैसे होता है? तो ये क्या होता है कि जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन कि हमारे शरीर के अंदर सेल इतने छोटे हैं तो इसके अंदर में 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे स्टोर होगा? तो ये क्या होता है कि एक प्रोटीन के ऊपर में लिपटा होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर में ये धागा लाइक स्ट्रक्चर जो लिपटा हुआ है वो डीएनए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जब ये लिपट जाता है तो हिस्टोन प्रोटीन और ये धागा दोनों को मिला के न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने भी न्यूक्लियोसोम है ये छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम मिलके बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, ठीक। अब ये क्रोमेटिन फाइबर है वो एक स्प्रिंग लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है। आप जैसे देखे होंगे कि पेन में स्प्रिंग होता है तो वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के और कॉम्प्रेस फॉर्म में हो जाता है, और वो बनाता है क्रोमोसोम जो कि हमारे क्रोमेटिन इस टाइप का, ये जो स्प्रिंग लाइक का स्ट्रक्चर बनाया ये क्रोमेटिन है, ठीक है। और ये स्प्रिंग जो है कॉम्प्रेस होकर 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 एक ये एक्स टाइप का ये स्ट्रक्चर बना लिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ही होता है जो कि सेल डिवीजन के टाइम में अपने आप को जो डीएनए है अरेंज करके क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी सेल का डिवीजन होता है, जब दो सेल टूटते हैं तो उनमें अब क्रोमेटिन के फॉर्म में ऐसा उलझा हुआ स्ट्रक्चर रहेगा तो फिर वो डिवीजन करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक इस टाइप का स्ट्रक्चर्स में अरेंज हो जाता है, और जब भी सेल डिवाइड होते हैं तब ये बीच में टूट जाता है, तो आधा एक सेल में और आधा दूसरे सेल में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास धागा है लाल रंग का, पीला रंग का, ब्लू रंग का, और सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो उस केस में आपको उसको अलग करना दिक्कत होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही तीन अलग अलग अरेंज करके बंडल बना हो, रेड धागा का अलग, ब्लू धागा का अलग और ग्रीन धागा का अलग, तो आप बहुत इजिली उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसी टाइप से ये उलझा हुआ जो स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का उसको अलग करना मुश्किल होता है। तो जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, जब सेल को टूटना होता है, तब वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। मतलब क्या हुआ, अभी एक शॉर्ट बात में बात करते हैं कि स्ट्रेट रहेगा तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में वाइंड अप हो गया तो उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। लेकिन आप न्यूक्लियोसोम छोड़ दीजिए, वो एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, तो आप मान के चलो कि वो क्रोमेटिन ही बोलते हैं। क्योंकि क्या होता था कि न्यूक्लियोसोम ही कंबाइन होकर क्रोमेटिन बनाता था। तो हम लोग अभी बात करेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर में वाइंड करके क्रोमेटिन बनाता है, और क्रोमेटिन कॉम्प्रेस होके एक कंबाइन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। तो ये क्या कहता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, माँ बाप का कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में इनहेरिट करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है जो कि है। तो ये आपको दिख रहा है डायग्राम
सेल का डायग्राम, इसके अंदर में जो ये सेंटर में वॉलेट कलर का है, ये है आपका न्यूक्लियस, और इसी के अंदर में डीएनए होगा, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा, जैसा ये दिख रहा है ऐसा उलझा उलझा सा होगा, ठीक है। क्रोमोजोम में केवल स्पेशल केस में क्रोमोजोम में ये बनता है जब उसको डिवाइड होना हो, क्योंकि उस केस में क्या होता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, तो जो सेल है अपना ये डीएनए उस टाइम में एक्टिव नहीं होता है, वो केवल सेपरेशन के लिए ही क्रोमोजोम के फॉर्म में आता है। बाद में जैसे सेल डिवाइड हो जाएगा, फिर जो दो सेल बनेंगे उसमें भी जब न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा तो इसी स्ट्रक्चर में रहेगा, क्रोमेटिन के ही स्ट्रक्चर में रहेगा। तो मतलब क्या कि एक तरह से मान के चलिए कि डीएनए क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोजोम करीब करीब तीनों एक ही चीज है, ठीक है। उसका केवल स्ट्रक्चर के ऊपर में डिफरेंट डिफरेंट नाम है, खुला है तो डीएनए, बंद हो गया तो क्रोमेटिन फाइबर, और जब उसको और कॉम्प्रेस हो गया तो क्रोमोसोम। इतना तक क्लियर हो गया है, वो धागे के रूप में था, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर में वाइंड अप था। अब क्या करेंगे, वो धागे को फिर से जूम करेंगे, तो वो धागे के अंदर में इस टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब जो डीएनए है वो इस टाइप के स्ट्रक्चर में एक्चुअल होता है, और इसको क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है कि जो एक हेलिक्स है, एक ये देख रहे हैं ये सीढ़ी नुमा जो स्ट्रक्चर है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर में लिपटा हुआ है, जैसे कि सांप एक दूसरे के ऊपर में लिपटे होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक दूसरे से लिपटा हुआ है, और इन दोनों के बीच में ये जैसे एटी दिख रहा है, सीजी दिख रहा है, तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे डिफरेंट बेस मौजूद होते हैं जिसको बोलते हैं ये एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्यूनिन, ये आपको डिटेल में मैं बता रहा हूं। तो जो एडिनिन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए ये एटी लिखा है, ए फॉर एडिनिन और टी फॉर थायमिन, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और बॉन्ड का टाइप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अपना डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड और उस टाइप के बॉन्ड, तो उसमें ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और जो दूसरा वाला बनाता है साइटोसिन और ग्यूनिन, ये देखिए यहाँ पे सीजी लिखा हुआ है, साइटोसिन और ग्यूनिन, तो ये बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। कभी ऐसा आप नहीं देखोगे कि ए का बॉन्डिंग जी के साथ हो रहा हो या सी के बॉन्डिंग टी के साथ हो रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा, होगा तो हमेशा ए का ही टी के साथ होगा और सी का हमेशा जी के साथ होगा। तो ये जो है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्यूनिन, इसको बोलते हैं बेस। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीएनए में क्या क्या बेस होते हैं, क्या क्या क्षार होते हैं, जो एसिड और बेस आपने पढ़ा है ना, तो ये चार बेस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्यूनिन, ठीक है। अब बात आती है कि डीएनए क्या होता है, तो डीएनए एक तो पॉलीमर है, ठीक है, डीएनए एक पॉलीमर है जो कि छोटे छोटे चीज से मिलके बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि अगर ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसको भी जूम करेंगे तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। तो ये देखिए, ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके बीच बीच में आपको एटी और सीजी का बॉन्डिंग दिखाई पड़ रहा है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको जूम आउट करते हैं, जूम करने के बाद में इसको क्या करेंगे कि ऊपर वाले का कलर चेंज करेंगे और नीचे वाले का कलर चेंज करेंगे। तो ऊपर वाला जैसा है उसको हम लोग अभी येलो कर देते हैं और नीचे वाले को पिंक कर देते हैं, ताकि जब सेपरेट हो तो आपको समझ में आए कि किस टाइप से हेलिकल स्ट्रक्चर टूट रहा है और कौन सा किसका पार्ट है, ठीक है। अब ये कलर चेंज हो गया, अब इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद स्ट्रेट करेंगे। तो इसको हम लोग जूम आउट किए हैं, जूम करने के बाद में इसको सीधा किए हैं, ठीक है। अभी सीधा करने के बाद में ऊपर में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे चीज रिपीटेड हो रहे हैं, एक एक चीज बन बन के, तो ये जो छोटे छोटे चीज जो रिपीट हो रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड,
ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर है, और जो डीएनए है, डीएनए उसी का पॉलीमर है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, सुगर बेस और फॉस्फेट से। ठीक है, अभी ये देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, तो ये तीनों एक दूसरे से बने हुए हैं। तो ये एक अकेला न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, सुगर बेस और फॉस्फेट से। ऊपर वाला गोला फॉस्फेट है, बीच वाला सुगर है और नीचे वाला बेस है। अब देखिए सुगर में कितने, पांच कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोस सुगर बोलते हैं। और बेस तो आपको पता चल ही गया कि ATGC, यहाँ पे नीचे में ऑलरेडी मैं बताया कि ये सी बेस है, ऊपर में फॉस्फेट है। तो ये जो जो भी चैन बनता है वो फॉस्फेट से ही एक दूसरे से लिंक होता है। ठीक है, ये देखिए फॉस्फेट से लिंक हो गया कार्बन, और ये कार्बन के साथ में बेस जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले के साथ में टी जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन के साथ में सी जुड़ा हुआ है, उसके बाद में ए जुड़ा हुआ था, और उसके बाद में जी जुड़ा हुआ था। मतलब लाइन से ये जुड़े रहेंगे। तो जो ऊपर वाला है हेलिक्स, उसका जो ए है, और नीचे में भी सेम टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, तो नीचे में जो टी रहेगा उससे बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये देखिए ऊपर वाला जो हेलिक्स है, ठीक है, इसका ये सुगर है, इसका गोला वाला जो फॉस्फेट है, अब इसमें बेस अटैच हो रहा है। अभी इसमें देखिए सुगर फॉस्फेट, और इसमें बेस अटैच होगा। तब अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जाम में पूछता है कि डीएनए किसका पॉलीमर है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड हमारा मोनोमर होता था, और न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, तो सुगर बेस और फॉस्फेट से बना हुआ है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब सुगर में पूछ सकता है कि कौन सा सुगर है, तो डी ऑक्सीराइबोस सुगर है, और उसका स्ट्रक्चर पूछ ले तो पेंटोस सुगर, क्योंकि वो पांच कार्बन से मिलकर बना है। अब ये देखिए ए जी टी सी ऊपर वाला, और नीचे वाला टी सी ए जी, इसी सीक्वेंस में जी हमेशा सी के साथ में बॉन्डिंग बनाएगा, टी हमेशा ए के साथ में बनाएगा, मतलब एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में बनाएगा और साइटोसिन हमेशा ग्यूनिन के साथ में बनाएगा। एटी और इसको बेस पेयर बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग होता है, और जो बॉन्डिंग होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और यहां पे जो होगा साइटोसिन और ग्यूनिन के बीच में, इसके ग्यूनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उल्टा हो जाए, मतलब ए जी के साथ और सी टी के साथ कभी भी नहीं हो सकता है, ये हमेशा उसी सीक्वेंस में रहेगा। तो ये देखिए इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है, उसको डीएनए को जूम किया तो अभी आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, डीएनए किसका पॉलीमर है, कौन सा मोनोमर है, राइबोज, पेंटाज, बेस वगैरह सब क्लियर हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, वाटसन एंड क्रीक नाम के साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट, उन लोगों ने मिलके ये स्ट्रक्चर बताया था कि इस टाइप का डीएनए होता है। ठीक है, अब फिर से वापस हम लोग ने कंबाइन कर दिया, उसके बाद ये देखिए जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, तो इस टाइप से ये सीक्वेंस डिफरेंट सीक्वेंस में ये जुड़ते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट सीक्वेंस मिलके क्या करते हैं कि जीन बनाते हैं, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है। हर लोगों में ये जो सीक्वेंस है डिफरेंट सीक्वेंस रहेगा, तो इसके कारण हर लोगों का कैरेक्टरिस्टिक वेरी करता है, केवल बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स अपने माँ बाप से ही मिलेगा। ठीक है, अभी ये देखिए ये जो डीएनए है, डीएनए एक रॉड नुमा स्ट्रक्चर पे लिपट गया, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। देखेंगे तो ये देखिए ये डबल एक्स क्रोमोजोम हुआ, इसको जूम किए तो ये फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर हुआ। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर को हम लोग जूम किए तो ये देखिए गांठ नुमा स्ट्रक्चर है, जो कि आपका हिस्टोप्रोटीन, हिस्टोप्रोटीन के ऊपर में ये डीएनए है, डीएनए को हम लोग जूम किए तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इसी का जो एक सीक्वेंस है उसको जीन बोलते हैं, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है, कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है कि बच्चे में क्या कैरेक्टर रहेगा। तो क्या होता है कि कुछ माता का कैरेक्टर आता है, कुछ पिताजी का कैरेक्टर्स आता है, क्योंकि क्या होता है कि जब बर्थ के टाइम में टोटल ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो 46 क्रोमोजोम में हर क्रोमोजोम एक अलग कैरेक्टर डिसाइड करता है कि
कोई एक होगा बालों का कलर के लिए होगा, कोई फेस का कलर के लिए होगा, कोई आंखों का कलर के लिए होगा, कोई बाल घुंघरेले होंगे कि कैसा होगा, एक क्रोमोजोम होगा हाइट के लिए। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट क्रोमोजोम होंगे। तो डिफरेंट क्रोमोजोम में कितने होते हैं, 20 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो जो पिताजी से आएंगे 23 क्रोमोजोम, और माताजी से आएगा 23 क्रोमोजोम। ये दोनों आके अब मिल जाएगा साथ में और फिर बच्चे का 46 क्रोमोजोम बनाएगा। तो इसी के कारण क्या होता है कि जो बच्चा का करेक्टर होता है वो करीब करीब माता या पिता दोनों में से किसी से मिलता है। चेहरा माता या पिता से मिलेगा, या फिर उसके बात करने का तरीका, चलने का तरीका, मत जो कुछ भी करेक्टरिस्टिक्स है वो माता पिता से मिलेगा। अगर माता पिता से नहीं मिला तो उसके खानदान में किसी ना किसी से मिलेगा। तो वो क्यों, क्योंकि वो जीन सेम ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे से। अब ये जीन क्या है कि एक सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस में आपका एडिनिन ग्विनिन वो सब जुड़े हुए हैं। तो वो प्रॉपर सीक्वेंस को जीन बोलते हैं। मतलब कि जीन जो है डीएनए का ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि ये डिसाइड करता है कि बच्चे का करेक्टर क्या होगा। तो इसको क्रोमोजोम को हिंदी में हम लोग डीएनए के बारे में, तो डीएनए में क्या होता था, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता था, आरएनए में सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो शुगर होता था, तो नाम से ही पता चला है डीएनए डाइऑक्सी नाइक्लिक था, तो उसमें और डीएनए से होगा क्या कि उसमें डाइऑक्सी राइबोस शुगर होगा, और आरएनए में क्या होगा, राइबोस शुगर होगा। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया। दूसरी बात ये था कि बाकी सारा कुछ सेम होगा डीएनए से, केवल डिफरेंस क्या होगा कि जो बेस में थाइमिन होता था डीएनए में, आरएनए में यूरेसिल होगा, बाकी सब सेम होगा। साइटोसिन एडिनिन ग्विनिन इसमें भी सेम ही होगा, केवल बेस डिफरेंट होगा। और मतलब आरएनए डीएनए में तीन चीज डिफरेंट होता है, एक उसका स्ट्रक्चर, दूसरा शुगर, ठीक है, और तीसरा यूरेसिल, बाकी सारा चीज सेम रहता है।